दिल में आके नरम, अल्लाह ने इतना नरम गोशा औरत को दिया है, ममता माँ की औरत के अंदर लग रहा है। बाप संग दिल हो सकता है, माँ संग दिल नहीं हो सकती, का मालिक हो सकता है, माँ हार तबीयत की मालिक नहीं हो सकती। बाप गलती बाप औलाद की माफ नहीं करता, संग दिल हो सकता है, हो जाता है संग दिल माफ नहीं करता। बेटा कतल करके भी आ जाए ना, अगर माँ का कलाजा निकाल के भी बाहर आ जाए तो फिर भी माँ सबके करती है, बारी बारी जाती है माँ और आपकी तकलीफ को बर्दाश्त है। तो ये अल्लाह ने ममता के अंदर रखा है, माँ के अंदर ममता। तो जहां पर एक माँ को अल्लाह ने ये सारी खूबियां दी हैं, वहां पर कुछ अल्लाह ने औरत के अंदर नरमियां रखी हैं, नमी जिसे हम कहते हैं। उस नरमी का जब हम यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल जब थोड़ा सा रॉन्ग होता है ना, तो फिर बड़ी बड़ी तबाहियां आती हैं, घर और नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो ये इख्तियार, इसीलिए इस्लाम ने औरत से कहा है कि तू चादर, जितने भी मुआशरे हैं कायनात के अंदर, जितने भी मजाहिब हैं मुआशरे हैं, पर्टिकुलरली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मगर उन्हें क्या किया, औरत को आजाद कर दिया, मर्द के बराबर कर दिया। औरत घर से निकलती है और बाहर जाके सारा दिन काम करती है, आजाद है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं है। तो दुनियावी कवानीन तो उनके अंदर आ गए, उन्होंने उस चीज को तो मजबूत कर लिया, लेकिन रूहानी एतबार से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो अदबत, जो अजमत अल्लाह ने औरत को दी है, वो उस मुआशरे के अंदर औरत को मैसर नहीं है। बंदा कहता चल निकल अपनी नौकरी कर जाके, तो एक तरफ उसने बचा उठाया होता है, पीछे उसने डाला होता है, और ऊपर उसने चार मार का बोझ उठाया होता है, और वो सीट में चढ़ रही होती है, उसने निकल लिया सुबह, उसने शाम, उसने भी मेहनत करनी है, उसने भी मेहनत करनी है, राइट। लेकिन इस्लाम ने जो औरत का इदारा रखा है, इस्लाम ये कहता है कि नहीं, औरत का काम चादर चार दीवारी के सिस्टम को कंट्रोल करते हुए अच्छी नस्ल की बुनियाद रखना औरत का काम है। और मर्द से कहा कि तू जा सुबह से लेकर शाम तक कमाई कर, हलाल की रोजी ला के इसका नानो नुस्खा पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब यहां अगर मर्द अपनी जिम्मेदारी में कोताही करेगा तो वो औलाद के हकूक में और उसके रिज़्क और उसके नशर मात के खिलाए जाने, पिलाए जाने और पहनाए जाने में वो हलालो हराम की तमीज को खत्म कर देगा। तो बच्चों की रूहानी और बच्चों की जो नफ्सियाती होगी, नशोनुमा होगी, वो रॉन्ग होगी, गलत होगी। हराम का लुकमा जब वो कमा के तो बाहर से ला के देगा, औरत को नहीं पता कहां से लेके आएगी, औरत को तो नहीं पता इस बात का, वो तो घर में ला के पैसे देता है, वो कहती है ला भाई, वो कहता है ये लेना। तो अगर मर्द अब अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरतेगा, लालच करेगा, हलालो हराम के तसव्वुर को खत्म करते हुए छीना झपटी करके औलाद के मुंह में हराम का लुकमा डालेगा, तो वहां पर औरत जितना मर्जी जोर लगा ले, वो अपने बच्चों की हलाल की तरबियत कर सकती है। हराम का लुकमा उतरा हुआ हो बदन के अंदर, खून के अंदर, औरत का मैं इसको आज से कुरान बना दूं, ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक तो ये, दूसरी बात, मर्द सुबह से लेकर शाम तक हलाल हलाल रिज़्क कमा कमा के खून पसीना एक करके हलाल हो जाए, लेकिन जब घर लाके वो पैसा देता है अपने बच्चों की तरबियत के लिए, तो बीवी उसका गलत इस्तेमाल करते हुए औलाद से लापरवाही कर ले और अपनी जिंदगी में मगन हो जाए, वो अपनी यशी में मगन हो जाए, वो अपनी जात में मगन हो जाए, वो तो वो भी अपने मर्द का हक मारेगी और अच्छी नस्ल को कभी भी वो परवान चढ़ा सकती नहीं।